सो गाइज, आज मैं फिर से आ गया हूँ अपने बिट्टू भाई के कुरामा SMP के अंदर। एंड आज मैं ना अपने लिए सीक्रेट बेस बनाने वाला हूँ एंड अपने लिए फुली एक डायमंड का आर्मर। सो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड हम अपना सीक्रेट बेस बनाना चालू करते हैं। सो चलो गाइज, मैं ना अपना टेम्प्रेरी सीक्रेट बेस है ना आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा टेम्प्रेरी सीक्रेट बेस एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल चेस्ट है। सो मैं इसको लाइक फुल अपग्रेड करने वाला हूँ। सो चलो यार, मैं ना अपने इधर पे ना सारे स्टोन वगैरह बाजू वाले हटा देता हूँ ताकि मतलब एक जगह स्पेस बन सके एंड जिधर पे मैं अपना ये सीक्रेट बेस बना सकूँ। तो मैंने ना सारे जगह रिमूव कर दिया स्टोन एंड अभी है ना मैं इधर पे चारों तरफ मैंने ना स्टोन ब्रिक्स लगा दिए एंड नीचे मैंने वुडन स्लैब लगाया है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड चलो मैं पूरा बना के आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने ना अपना सीक्रेट बेस फुली बना के कंप्लीट कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने चेस्ट लगा दिए ताकि मैं उसमें अपना सामान रख सकूँ। एंड ये हमारी एंट्री जिधर से हम अंदर आ सकते हैं एंड मतलब इधर पे मैंने हर एक चीज़ रखा है जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। देख लो, यहाँ पे बेड भी रखा है एंड सबसे मेन चीज़ यहाँ पे नीचे, अभी मैं अपने लिए डायमंड आर्मर बनाने वाला हूँ। सो उसको मैं ना इधर पे रखूँगा एंड ये मैंने थोड़े बहुत आजू बाजू में ना डेकोरेट करने की कोशिश की है। सो बताना कमेंट्स में कैसा लगा मेरा मतलब ये सीक्रेट बेस। एंड चलो यार, अभी है ना मैं SMP में जाने वाला हूँ ऊपर और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। एंड गाइस, मैं ऊपर आया तो देखा ये TZ भाई और FBM भाई है ना अलग ही फाइटिंग कर रहे थे एंड पता नहीं क्यों है ना TZ है ना FBM को मारे जा रहा था, मतलब एक बार भी नहीं मार रहा था, पता नहीं कितनी बार मारे जा रहा था, देख ही सकते हो। मतलब वो स्पॉन होके आ रहा था एंड TZ भाई उनको मार ही रहे थे। फिर बिट्टू भाई भी यहाँ पे आ गए एंड मैंने पता नहीं क्यों बिट्टू भाई को मारा 2-3 क्रिट। फिर मुझे ना TZ भाई भी मेरे पीछे पड़ गए, दोनों लोग मुझे मारने लग गए एंड ये हम लोग मस्ती कर रहे थे टाइम पास, लाइक VC में भी थे हम लोग, ऐसे बातचीत कर रहे थे एंड फिर मैं ना भाग गया और क्या ही करता। एंड फिर है ना TZ भाई ने ना मुझे ना Fortune 3 की pickaxe दी एंड मतलब ताकि मैं ना डायमंड माइनिंग पे जा सकूँ। एंड मैंने ना फिर उनको थैंक यू लिख दिया क्योंकि यार मतलब मुझे Fortune 3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड मैं फिर नीचे आ गया एंड बहुत टाइम मैं डायमंड माइनिंग कर रहा था, पता नहीं क्यों मेरा ना लकी काम नहीं कर रहा था, लाइक डायमंड्स मिल ही नहीं रहे थे। एंड गाइस, फिर मुझे ना फाइनली डायमंड्स मिलते हैं एंड ये बहुत सारा इसमें डायमंड था, लाइक मैंने ना फिर Fortune 3 से माइनिंग की। सो मुझे लाइक एक के बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिल रहे थे, सो लाइक मैं बहुत खुश हो गया। एंड चलो गाइस, मैं अपने सीक्रेट बेस पे पहुंच गया हूँ तो अपना है ना ये डायमंड का आर्मर है ना क्राफ्ट कर लेते हैं। पहले ना मैं ना ये क्राफ्ट करने वाला हूँ हेलमेट, उसके बाद चलो मैं ना अभी चेस्ट प्लेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड मेरे पास लिंगिट्स तो है ही तो मैं ये ना बूट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो चलो एंड गाइस, मैं ना अभी इसको है ना ये में रखने वाला हूँ, आर्मर स्टैंड में रख देते हैं। देखो यार कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है एंड ये फाइनली आर्मर स्टैंड भर गया। सो चलो गाइस, आज का मेरा सारा गोल है ना कंप्लीट हो चुका है एंड पीछे देखो TZ भाई और XBestie है ना अपना है ना कासल बना रहे। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं भी अपना एक हाउस बनाऊँगा, लाइक कासल तो नहीं बनाऊँगा, अपने लिए हाउस बनाऊँगा। एंड वीडियो को है ना ज़रूर से लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी है ना सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।